गुड मॉर्निंग किड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर फाइन। माई सेल्फ पिंकी जेठवानी, द एजुकेटर ऑफ द रेडियन इंटरनेशनल स्कूल, चिल्ड्रन इन सब्जेक्ट मोरल वैल्यू एजुकेशन। वी कंप्लीटेड 6 टॉपिक, सो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 7 नंबर स्टोरी, वेट इज वर्थ। और ये आपके बुक की लास्ट स्टोरी है। हमने ऑलमोस्ट 6 स्टोरीज कंप्लीट कर दी है और ये नंबर 7 है। आफ्टर दैट मैं आपको नेक्स्ट क्लासेस में आपको एक्स्ट्रा स्टोरीज बताऊंगी, बट ये जो स्टोरी है आज की वो बुक की लास्ट स्टोरी है। सो चिल्ड्रन एट होम, यू आल्सो रीड दिस स्टोरी अगेन। तो लेट वी स्टार्ट अवर स्टोरी। वेट इज वर्थ मीन्स इंतजार के लायक। सो लेट वी स्टार्ट अवर रीडिंग पार्ट। सो सी चिल्ड्रन, वेट इज वर्थ। लॉन्ग अगो देयर लिव्ड अ फार्मर। एवरी डे ही वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गो हिज फील्ड। मीन्स इंतजार के लायक स्टोरी का जो टाइटल है वो, यानी जो हम इंतज़ार के लायक या कोई चीज़ का इंतज़ार करते हैं और उसकी वजह से हमको उसका अच्छा फल मिलता है, मीन्स वही। एक समय की बात है, लॉन्ग अगो, बहुत टाइम पहले की बात है। देयर लिव्ड अ फार्मर, एक फार्मर रहता था। वो सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठता था और अपनी फील्ड यानी खेती में जाता था। ही वुड प्लाउ द फील्ड द होल मॉर्निंग। वो पूरी मॉर्निंग अपनी फील्ड में खेती करता था। खेती करते हैं ना, आपने देखा होगा फार्मर्स जैसे खेती करते हैं, वो भी रोज़ सुबह मॉर्निंग में खेती करने चला जाता था। इन द इवनिंग ही वुड पेशेंटली पुल आउट द वीड्स। और वो शाम तक पेशेंटली पुल आउट द वीड्स, वीड्स यानी जो खेती करते हैं तो उसमें से जो सले निकलते हैं, रूट्स जैसे निकलते हैं, उनका वो वेट करता था। यानी उसमें फार्मर में क्या थी, एक पेशेंस थी। वो कोई भी चीज़ का, जो लोग इंतज़ार करते हैं कोई भी चीज़ का, उसकी तरह वो पेशेंटली वेट करता था। जस्ट बिफोर द मॉनसून द फार्मर प्लांटेड सम सीड्स। ही प्रेड टू गॉड फॉर अ गुड क्रॉप, बट द मॉनसून नेवर केम। जस्ट बिफोर द मॉनसून, यानी मॉनसून आने से पहले, बारिश आने से पहले, द फार्मर प्लांटेड सम सीड्स। जो फार्मर था उसने सीड्स प्लांट किए थे, यानी सीड को जमीन में बोया था। और ही प्रेड टू गॉड फॉर अ गुड क्रॉप, और उसने भगवान को प्रेयर किया था कि गुड क्रॉप, बारिश अच्छी हो तो उसकी वजह से क्रॉप जो होती है, खेती भी अच्छी हो। बट द मॉनसून नेवर केम, पर बारिश तो इतनी आई ही नहीं। इट डिड नॉट रेन, बारिश हुई ही नहीं। लाइक द अदर्स, जैसे अदर्स भी फॉर्म होता है ना, कि जो खेती के लिए जितना पानी चाहिए, बारिश चाहिए, उतनी होती नहीं है। इसकी वजह से किसान को बहुत तकलीफ़ होती है, वो जो खेती उगाने में, मेन तो बारिश चाहिए, पानी चाहिए। द फार्मर वेटेड पेशेंटली, जो फार्मर था वो बहुत उत्सुकता से उस पेशेंटली उसका वेट कर रहा था। स्लोली द अदर विलेजर्स गेव अप, पर जो अदर विलेजर्स थे उन्होंने तो हार मान के चले गए, पर इसने हार नहीं मानी, इसने कोशिश की। दे क्रॉस देयर लक, सब ने अपनी अपनी लक पे ऐसे करके चले गए। बट द फार्मर डिड नॉट गिव अप, बट फार्मर ने गिव अप नहीं किया। ही स्टार्टेड टू वाटर द सीड्स हिमसेल्फ, उसने जो सीड्स से उस पर पानी छिड़कना स्टार्ट कर दिया। एवरी डे ही, वो हर रोज कैरिड बकेट्स फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल अप टू हिज फील्ड। वो विलेज यानी गांव के कुएं में से
पूरा बकेट पानी का भर के आता था एवरी डे अपनी खेती पर। द विलेजर्स लाफ्ड एट द फार्मर, पर सब जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो उस पर बहुत हंसते रहते थे कि ये क्या वहाँ से पानी भर के उसमें खेती में डाल रहा है। बट ही केप्ट ऑन डूइंग हिज वर्क, पर वो अपना काम कर रहा था, काम करता था। आफ्टर सम वीक्स द फार्मर सॉ द फर्स्ट ग्रीन शूट्स ऑफ हिज सीड्स। फिर कुछ समय के बाद, कुछ वीक्स के बाद, हफ्तों के बाद, फार्मर ने देखा कि ग्रीन शूट्स निकल आए हैं। देखो आपको भी यहाँ पर दिख रहे होंगे कि उसने जो सीड डाले थे ना जमीन के अंदर, उसमें से ऐसे शूट्स निकल आए थे वहाँ ग्रीन कलर के। ही रन हैप्पीली टू द विलेज स्क्वायर एंड टोल्ड एवरीबडी, और वो दौड़ता दौड़ता गांव में गया और सबको बुला के बोलने लगा, सबको बोल रहा था। All the villagers were happy for the farmer. सब जो विलेज के लोग थे, विलेजर्स थे, वहाँ के लोग थे, गांव के, वो सब फार्मर के लिए खुश हो रहे थे। His patience had been rewarded. यानी उसका जो इंतज़ार था, पेशेंस था, पेशेंस होता है ना धैर्य, हम किसी चीज़ के लिए पेशेंस रखेंगे तो वो हमेशा सफल होती है, पर कई लोगों को पेशेंस नहीं होता है, को उनको इमीडिएटली ही रिज़ल्ट चाहिए होता है कि मैंने अभी ये काम किया तो मुझे अभी का अभी रिज़ल्ट चाहिए, तो कई लोग में वो पेशेंस नहीं रहता है, उसकी वजह से वो गिव अप कर देते हैं। तो हमको जो हमारे अंदर है ना, पहले तो पेशेंस होना चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। हम अपने अंदर एक धैर्य रखेंगे, पेशेंस रखेंगे कि हाँ अभी नहीं तो कल ये चीज़ होगी, तो वो हमेशा होगी ही। यानी हमने जो मेहनत की है ना, उसका फल हमें गॉड जरूर देगा। तो वो फार्मर ने भी कि चलो बारिश नहीं हुई तो उसने वो गिव अप नहीं किया, उसने क्या किया, उसको पानी देता रहा, जो खेती थी उसको अच्छी तरह से सिंचाई करता रहा, वहाँ गांव में से जो कुआं था उसमें से पानी भर भर के वो उसको वहाँ देता रहा, जिसकी वजह से उसका जो खेती थी वो क्रॉप निकल आए और उसको वो रिवॉर्ड मिल गया। मीन्स उसने जो मेहनत की थी ना फार्मर ने, तो उसको वो उसको जो फल था वो उसकी मेहनत का मिल गया। सो चिल्ड्रन, वैल्यू ऑफ दिस स्टोरी, मोरल वैल्यू ऑफ दिस स्टोरी, पेशेंस इज एन द इम्पॉर्टेंट वर्च्यू डैट हेल्प्स अस टू गेन मोर थिंग्स इन लाइफ। जो पेशेंस है ना, जो धैर्य है, अगर हम वो रखेंगे ना हमारी लाइफ में, तो हम उस वो हमारे लाइफ को, यानी हमारी लाइफ को आगे करने में हमको हेल्प करता है, हमारे अंदर वो उसको ग्रेन करता है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। बट अगर हमारे अंदर पेशेंस नहीं होगा कि हमने ये काम किया है तो हमको अभी का अभी वो रिज़ल्ट मिलना चाहिए, तो वो नहीं, हम कोई भी चीज़ करते हैं तो उसके लिए हमको पेशेंट रखना ज़रूरी है। सो थिंग्स इन आवर लाइफ, पेशेंस मेक्स आवर लाइफ ईजी एंड पीसफुल। जो पेशेंस है ना, वो हमारी लाइफ को इजी और पीसफुल, शांति लाइफ बनाती है। इट गिव्स अस एन इनर स्ट्रेंथ विच इनेबल्स अस टू गेट सक्सेस इन लाइफ। और जो पेशेंस है ना, वो हमारे अंदर की जो स्ट्रेंथ है, ताकत को भी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम अपने लाइफ में सक्सेस पा सकते हैं। पेशेंस सेव्स अस फ्रॉम डूइंग रॉन्ग। और जो पेशेंस है ना, जो हम कोई चीज़ गलत करने वाले हों, वो उसको रोक लेता है। यानी जो कोई हम चीज़, अगर पेशेंस नहीं हो हमारे अंदर, उतावल हो, तो वो कोई चीज़ हमसे गलती भी हो सकती है। इट ऑल्सो गिव्स हैप्पीनेस टू अदर्स, और वो दूसरों को खुशी भी देता है। इट ऑलवेज बी पेशेंस, यानी हमको हमेशा पेशेंस यानी धैर्य रखना चाहिए।
So children, thank you for watching. I hope you all understand today's story. So at home, you again read this story and tell to your parents again. So children, we will meet again in next class. So children, take care and goodbye.